हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं रवि डिटेक्टिव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी में आए, रेलवे ग्रुप डी में आए वैकेंसी के बारे में। तो भैया, हाल ही में ग्रुप डी रेलवे लॉन्च किया है 1,03,769 से। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे। तो भैया ऊपर आप लेटेस्ट जॉब में सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहां पे RRC ग्रुप डी 1,03,769 ऑनलाइन पोस्ट। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सरकारी result.com पे हम लोग आए हुए हैं। ये ऑफिशियल साइट है, ऐसे भी आप किसी भी सरकारी साइट पे जाके आप देख सकते हैं, जॉब वाले पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं, रेलवे के भी किसी भी साइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर अगर बात किया जाए तो अप्लीकेशन फ़ी की आपको यहाँ पे जनरल OBC की 500 रुपये लगेंगे, और यहीं पर अगर बात किया जाए ST SC के तो आपको यहाँ पे 250, ऑल कैटेगोरी के फीमेल के लिए आपको 250 रुपये लगेगा। यहाँ पर बात किया जाए तो आपको नीचे अगर स्क्रॉल करके आएंगे तो एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो आप क्लास 10th हाई स्कूल पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया ITI और सर्टिफिकेट इन SC VT एंड SC VT NT VT, मतलब आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड 10th पास होने चाहिए आपको, और ITI भी हो तो चलेगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एज लिमिट की 18 साल से 23 साल की 33 साल की उम्र दी गई है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे जनरल OBC और जो भी ST SC है के लिए सीट दिए गए। तो यहाँ पे आप पोस्ट के वेबसाइट और क्लिक करके यहाँ पे वैकेंसी का आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जोन जो भी है उसका नाम दिया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, अलाहाबाद, दिल्ली, गोरखपुर, जयपुर, यहाँ पे सब करके कोलकाता और जो भी है सबका दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया गया है इसका जितना सीट है। तो जैसे कि अगर सबसे ऊपर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दिल्ली में 13,153 टोटल सीट है, जो कि सबसे ज़्यादा है 13,000। उसके बाद 10,000 है मुंबई में, 10,734, 10,873 है यहाँ पे कोलकाता में, और यहाँ पे 9,000 है। तो सबसे हाईएस्ट अगर बात किया जाए तो भैया दिल्ली में है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करके कमेंट करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं किसी अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए।